हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। इस लेक्चर में मेनली हम यहां पे कुछ बेसिक डेफिनेशन, जैसे एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी किसे कहा जाता है, एंड एक्सेलेरेशन किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन किसे कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये देखते हैं कुछ डेफिनेशन क्या होती है और क्या नहीं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास पहला एक मेन आर्टिकल है विच इज नोन एज एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड? हम स्पीड पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी सारा का सारा सेम रहते हैं। यार एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? यार चलो मैं एक एग्जांपल से क्लियर कराता हूँ। जैसे सपोज करते हैं यार, अभी मेरी क्लास में सिर्फ सपोज करो फोर स्टूडेंट्स बैठे हैं। कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? फोर। एक स्टूडेंट ने सपोज करते हैं कुछ मुझे 80 रुपीज दिए, कोई एक पार्टी कर रही थी, उस पार्टी के लिए उसने कहा भी मुझे कुछ, मैंने कलेक्शन की और मेरे पास पहले स्टूडेंट था जिसने मुझे 80 रुपीज दिए, सेकंड स्टूडेंट था उसने मुझे कितने दिए 60 रुपीज दिए, एंड सपोज करते हैं कोई थर्ड स्टूडेंट आया जिसने मुझे कितने रुपीज दिए 40 दिए, एंड कोई फोर्थ स्टूडेंट था जिसने मुझे सपोज करते कितने रुपीज दिए 20 रुपीज दिए। मे बी एनीथिंग, या कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं। जस्ट मैंने एक ऑर्डर लेके चला, कितना पहले ने दिए 80, दूसरे ने दिए 60, थर्ड ने दिए 40, एंड फोर्थ ने कितने दिए 20। तो रियलिटी में मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है, 80 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 20 कितना हो गया, 80 प्लस 60 140, ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 20, इट बिकम व्हाट आई थिंक 200। सच्ची 60-200, ठीक है यार। ये 200 रुपए मुझे कितने बच्चों ने मिलके दिए, चार। तो अगर मैं 200 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया 50 रुपीज पर स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे पास पर स्टूडेंट ने कितना रुपीज दिया, 50 रुपीज पर स्टूडेंट। मानते नहीं मानते? तो यार जो ये निकल के आया है 50 रुपीज, तो यही तो हमारा रियलिटी में क्या कहलाता है, एवरेज। क्या कहलाता है, एवरेज। देखें तो यार एवरेज स्पीड भी क्या होती है, वी सपोज करती है किसी एक पर्सन को सम पॉइंट ए से लेके बी तक जाना है। कहां तक जाना है, ए से लेके बी तक, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सपोज करते जो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। कितना है 10 किलोमीटर। और यार बंदा ने क्या करा, कभी अपनी स्पीड कम करी, कभी अपनी स्पीड ज्यादा करी, कभी बीच में चाय पानी पीने के लिए रुक गया, कई बार लेट भी गया, बट उसने ए से लेके बी तक जाने के लिए जो टोटल टाइम लिया वो टाइम कितना लिया 1 आवर, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10 किलोमीटर। मानते नहीं मानते? उसकी जगह अगर कोई सेकंड पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ कहीं रुक नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं कर रहा, वो एग्जैक्ट कितनी स्पीड से चल रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर। तो यार इस पर्सन ने, ए पर्सन ने 10 किलोमीटर इन 1 आवर ट्रेवल किया, और यार ये जो सेकंड पर्सन है ये भी 10 किलोमीटर इन 1 आवर ट्रेवल करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यार रियलिटी में देखा जाए इसमें बंदे की स्पीड क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म, इसमें स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म। तो एक ऐसी कॉन्स्टेंट स्पीड जो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करवाए, उसी स्पीड को हम क्या नाम देते हैं, एवरेज स्पीड। क्लियर है? और इसको बीच में स्पीड कम थी या ज्यादा थी इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे बीच में वो बंदा रुक भी गया हो, चाहे लेट भी गया हो, चाहे लिट गया हो, पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रियलिटी में किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हमारे पास रियलिटी में किसका फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का। और बाय चांस अगर जैसे सपोज करो यहाँ वेलोसिटी आ जाए, वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या आ जाएगा टाइम, वो हम फर्दर इसके न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो इसकी अगर हमें एसआई यूनिट निकालनी हो, आपको पता है ऊपर है तो डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, नीचे क्या है टाइम, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकंड, एंड डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो एवरेज स्पीड, ध्यान देना क्या है, एवरेज स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द टोटल डिस्टेंस, या ऐसे कह सकते हैं ना, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। लिख लेंगे, इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, कंफर्म? तो आइए देखते हैं। तो इसके बेटा हमारे पास कुछ मेन केसेस होते हैं, न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकते हैं उनको हम कुछ केसेस के हिसाब से समझते हैं। लेट इसको नाम दिया फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जैसे आपको कहा जाता है, लेट अस कंसीडर कोई एक बॉडी है कुछ जिसने S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस का सिंबल S1 लेके चलते हैं यहाँ पे, बी अ बॉडी ट्रेवल S1 डिस्टेंस विद इन अ टाइम T1 एंड समथिंग डिस्टेंस S2 विद इन अ टाइम T2,
मतलब किसी बॉडी ने यार S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम T1, S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया इन सम टाइम T2, तो रियलिटी में देखा जाए मुझे क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यार बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, S1 और S2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया S1 प्लस S2, एंड टोटल टाइम कितना लगा यार T1 टाइम, और ये कितना हो गया T2, इट बिकम व्हाट T1 प्लस T2। यहां तक कंफर्म है? अगर मैं इसी का एक एग्जांपल के बेस पे समझता हूं, देखिए इसका एक एग्जांपल क्या बनेगा। जैसे मैंने कहा अभी अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 किलोमीटर विद इन 2 आवर, ठीक है, एंड बॉडी ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी विच इज 5 किलोमीटर, कितना है 5 किलोमीटर, कंफर्म। और इसको यहां से लेके यहां तक ए से लेके बी तक में 2 आवर लगा, बी से लेके सी तक में जिसको टाइम लगा सपोज करते कितना लग रहा है 1 आवर, यहां तक कंफर्म है। तो मुझे इस केस में क्या निकालनी है, इसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यार आपको पता है ना ये S1 किसका काम कर रहा है, ये 10 किलोमीटर S1 का, 5 किलोमीटर किसका काम कर रहा है S2, ये किसका काम कर रहे हैं T1, ये किसका काम कर रहे हैं T2, है ना। तो अभी आपने पढ़ा यार फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2 बाय टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2, तो इट बिकम कितना, S1 कितना है 10 प्लस 5 बाय टाइम कितना है 2 प्लस 1, मतलब कितना हो गया 15 बाय 3, तो इट बिकम व्हाट 5 किलोमीटर पर आवर इज इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। और सेकंड केस देखते हैं, जैसे अगर आपके पास कभी कहा जाए भी कोई एक बॉडी थी, क्या था, कोई एक बॉडी जो V1 स्पीड से चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है V1 स्पीड से, और कितने टाइम तक के लिए चला सपोज करते हैं T1 टाइम, एंड कोई सेकंड वही व्हीकल V2 स्पीड से चलता है कितने टाइम के लिए T2 टाइम के लिए, देन इस केस में हमारे पास कितना एवरेज स्पीड होगा और कितनी नहीं होगी। तो इसने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, एक बात बता, स्पीड पता है टाइम पता है तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, क्योंकि यार एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मैंने कहा भी लेट यहां पे जो डिस्टेंस है उसको कितना मान लिया S1, या डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो वो कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है V1 इनटू टाइम कितना है T1। ऐसे लेट सेकंड वाले का डिस्टेंस कितना है S2, वो कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है V2 और टाइम कितना है T2। मुझे तो मेन क्या निकालनी है यहां पे भी, एवरेज स्पीड। और अभी आपने पढ़ा यार एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2, तो कितना हो जाएगा S1 प्लस S2 बाय टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2। और अभी आपने पढ़ा यार S1 कितना है V1 T1, ये सिंपल अगर लिखा जाए तो मतलब दोनों मल्टीप्लाई में, और दूसरा कितना लिखा गया है V2 T2 डिवाइड में टोटल टाइम कितना हो गया बेटा T1 प्लस T2। दैट्स योर सेकंड केस, मुश्किल तो नहीं लग रहा। अगर मुझे इसी केस के ऊपर बेटा एक एग्जांपल देख रहा हूं, एग्जांपल एक बात ध्यान देके चलना, जब भी आपको न्यूमेरिकल करना है कुछ गिवन हो चाहे ना गिवन हो, आपको ये तीनों चीजें कोशिश करो निकालना, मेनली डिस्टेंस और टाइम तो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो है तो आपको क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत ना दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसके ऊपर एग्जांपल। मैंने कहा बेटा सपोज करते हैं कोई एक बॉडी थी जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, कितने टाइम के लिए सपोज करते हैं 40 सेकंड, ठीक है, एंड सेम बॉडी विद ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, एंड सपोज करते कितने टाइम के लिए 10 सेकंड, जिसमें एक एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूं। तो आपको पता है जो ये वाला होगा ये एक तरह से V1 का काम कर रहा है, ये जो शुरू वाला टाइम है ये एक तरह से T1 का काम कर रहा है, ये जो वेलोसिटी है इसको क्या नाम दे दिया V2, और ये वाला जो टाइम है इसको क्या नाम दे दिया T2, कंफर्म। तो यार एक बात कहिए, मुझे स्पीड और टाइम पता है तो क्या पहली बॉडी का टाइम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंड दिस डिस्टेंस शुड बी व्हाट स्पीड इनटू टाइम मतलब V1 इनटू T1, तो रखेंगे कितना हो जाएगा 5 × 40, इट बिकम व्हाट 200, एंड डिस्टेंस कितनी निकला थी मीटर। सिमिलरली इस केस में अगर मैं सेकंड डिस्टेंस निकालूंगा वो कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम T2, इट बिकम व्हाट कितना हो जाएगा बेटा 8 × 10, सो इट बिकम व्हाट 80 मीटर। दैट्स योर सेकंड डिस्टेंस, दिस इज योर S1। मुझे क्या निकालनी है, सीधा सा केस ही तो हमारे पास, एवरेज स्पीड, क्या है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वाले केस में भी आपने पढ़ा है टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2 बाय टोटल टाइम कितना है T1 प्लस T2, और वो कितना हो जाएगा 200 प्लस 80 बाय टोटल टाइम कितना है यार निकल के T1 प्लस T2, मतलब कितना यार 40 प्लस 10, इट बिकम कितना 280 बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, और 28 बाय 5, 5 5 25, मतलब कितना आ जाएगा निकल के 5.6 मीटर पर सेकंड। दैट्स योर एवरेज स्पीड, यहां तक कंफर्म।
ये इसी का एक मेन क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। अच्छा इसी का ना एक छोटा सा स्पेशल केस आता है, वो और मैं बता देता हूँ। देखिए यार कई बार न्यूमेरिकल्स में कह देंगे भाई कोई एक बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया फॉर सम टाइम टी, या कुछ ऐसे कह देंगे भी कोई बॉडी सेम टाइम कोई बॉडी कुछ स्पीड से चली कुछ टाइम के लिए एंड सेम टाइम के लिए फिर अदर स्पीड से चली, देन उस केस में क्या होगा। तो देखिए जैसे आपको कह दें भी कोई एक बॉडी ने जो टाइम ट्रेवल था मतलब टी वन एंड टी टू वो दोनों क्या है सेम, देन इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी। यार सेम केस है कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है अभी आपने एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ा है उसका फॉर्मूला क्या था, वी वन टी वन प्लस वी टू टी टू डिवाइड बाय टी वन प्लस टी टू। एक बार बताइए टी वन भी टी के बराबर है टी टू भी टी के बराबर है रखा जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए वी वन इंटू टी प्लस वी टू इंटू टी बाय टी प्लस टी, यार सारी जगह टी टी हो गया, तो चलो ऊपर वाले में से टी कॉमन ले लें तो टी कहां गया बाहर, नीचे देखो टी प्लस टी कितना हो जाएगा टू टी, टू से टी से टी कैंसिल तो कितना निकल के आ जाएगा, तो आपकी जो एवरेज स्पीड निकल के आई है बेटा वो किसके इक्वल आई है वी वन प्लस वी टू बाय कितना टू, कंफर्म ये क्या आ गया आपकी एवरेज स्पीड। बाय चांस अगर तीन पार्टिकल होते तो यहां पे तीसरे के लिए भी आ जाता वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बाय में थ्री। ठीक है आइए इसका थर्ड केस और देखते हैं वो क्या है और क्या नहीं है, आइए जैसे इसका तीसरा केस देखते हैं। जैसे पास हमारे पास है केस थर्ड, केस थर्ड में जैसे सपोज करते हैं हमारे पास गिवन में कोई एक बॉडी थी जिसमें कुछ s1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद स्पीड v1 एंड सम डिस्टेंस s2 ट्रेवल करता है विद स्पीड v2, मान सकते हैं नहीं मान सकते। तो देखिए हमारे पास मेनली देखो डिस्टेंस पता है स्पीड पता है बट मुझे टाइम नहीं पता, तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा जैसे कि स्पीड किसे कहते हैं हमारे पास भी जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है बाय में टाइम, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या यहां पे टाइम निकाल सकते हैं, तो जो ये टाइम आएगा इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इस फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो देखिए जैसे मैंने कहा फर्स्ट केस में जहां डिस्प्लेसमेंट थी s1 स्पीड थी v1, तो वहां पे लेट सपोज करते टाइम कितना है t1 एंड दिस टाइम शुड बी डिस्टेंस बाय स्पीड v1, सेम केस लेट यहां पे टाइम कितना है t2 इट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है s2 बाय स्पीड कितनी है v2। मुझे इस केस में भी क्या निकालनी है एवरेज स्पीड, और आप जानते हैं एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस मतलब s1 डिस्टेंस प्लस s2 डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम कितना था t1 प्लस t2, और आपको पता है बेटा t1 प्लस t2 की दोनों की वैल्यू हमें पता ही है, तो यहां पे अगर वैल्यू पुट कर दी जाए तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा s1 प्लस s2 डिवाइड बाय s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2, ये चीज आ गई नहीं आ गई आपके पास मेन क्वेश्चन रहेगा। एंड इसका एक छोटा सा स्पेशल केस होता है जो हमारे पास मेन है स्पेशल केस, देखें यार इसका स्पेशल केस एक इतना इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछे जा सकते हैं भी अगर कोई बॉडी का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो डिस्टेंस ट्रेवल क्या रहता है सेम, तो लेट मैंने कहा भी s1 जो डिस्टेंस था वो s2 डिस्टेंस के बराबर है एंड इट इज लेट टू बी s, तो पुट किया जाए तो s1 की जगह s रखा s प्लस s डिवाइड में यहां पे भी s बाय v1 प्लस s बाय v2, तो ऊपर देखो s प्लस s इट बिकम 2s, नीचे वाले में से s क्या चला गया कॉमन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, s से s क्या हो जाएगा कैंसिल, सो वी गेट व्हाट 2 बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 आ गया। इसका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम लेते हैं कितना आ जाएगा नीचे एलसीएम आ गया इसका v1 v2 ते देर बिकम v1 प्लस v2, जो चीज ये बेटा पाए डिवाइड में होती है ये चीज कहां चली जाती है मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास सोल्व करके कितना आ गया 2 v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, दैट्स द मेन फार्मूला एंड दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। बट ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगता है जब दोनों जगह वेलोसिटी दोनों जगह डिस्टेंस क्या होता है सेम। आइए देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास दो क्वेश्चंस गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपके पास कहा जाता है कोई एक बॉडी थी जिस बॉडी ने सपोज करते हैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जाम्पल, एंड बॉडी ने नेक्स्ट 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत तो नहीं, पहली बॉडी ने कितना था 10 किलोमीटर विद स्पीड 2 किलोमीटर पर आर, नेक्स्ट 20 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आर, देन इस केस में मुझे निकालनी है टोटल क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है बेटा लेट ये जो पहला डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को क्या नाम दे दे s1, ये जो स्पीड थी इसको क्या नाम दे दे v1, लेट ये जो सेकंड डिस्टेंस है इसको क्या नाम दे दे s2, और जो सेकंड स्पीड है इसे क्या नाम दे दी जाए v2।
तो आपको देखिए S1 और V1 पता है, तो क्या यहां से T1 निकल सकते हैं, एंड T1 अभी हमने पढ़ा कितना था, S1 by V1, ये देखिए यहां पे कहां गया यार, ये रखा फार्मूला, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना था 10, स्पीड कितनी है 2, तो इट बिकम व्हाट 5r, सिमिलरली यहां पे भी अगर टाइम निकालते हैं, लेट टाइम कितना हो जाएगा S2 by V2, डिस्टेंस कितना है यार 20, स्पीड कितनी आई है 5, सॉल्व किया कितना आ गया 4r, यहां तक क्लियर है, तो आपको यहां पे देखिए टोटल टाइम पता चल गया 5r एंड 4r, टोटल डिस्टेंस पता 10r एंड 20r, तो मुझे मीन क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था टोटल डिस्टेंस मतलब s1 plus s2 by total time, t1 plus t2, मैंने टाइम अलग अलग निकाल लेता हूं हमारे क्वेश्चंस में, सो कितना आ जाएगा 10 plus 20 डिवाइड बाय टाइम कितना है यार 5 plus 4 दैट बिकम व्हाट 30 by 9 किलोमीटर पर आवर, क्लियर, एंड देन इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट बिकम 3 पे काटा t ये आ गया n by 3 इट बिकम व्हाट 3.33 किलोमीटर पर आवर, ऊपर बार लगा देंगे ये पहला केस क्लियर है, सो ये इसके ऊपर फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक छोटा सा और न्यूमेरिकल देखते हैं, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे आपको कहते हैं कोई एक पर्सन किसी पॉइंट ए से लेके किसी पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है जी, उसने देखा यार एक बंदा बी से मिलने जाता है विद ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये इतनी स्पीड से इस बंदे के लिए मिलने के लिए गया, बट उसने देखा यार ये बंदा तो वहां पे अपने घर पे है नहीं, तो ये वहां से वापस मुड़ जाता है विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर और वापस अपने ए पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, देखो एक पर्सन है जो ए पॉइंट से चलता है विद ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर किसी पर्सन से मिलने बी पॉइंट पे, बट दे फाउंड भी वो बंदा वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो यार ये वापस मुड़ गया कितनी स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर, तो आपसे पूछा फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो ध्यान दें, देखिए हमारे पास जो पर्सन गया यार जितना डिस्टेंस उसे ए से बी तक ट्रेवल करना है उतना ही बी से ए तक करना है, मतलब डिस्टेंस सेम, और जब डिस्टेंस सेम होता था तो एवरेज स्पीड का अभी मैंने एक स्पेशल केस करवाया था जिसका फॉर्मूला था 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 रख देंगे, सो वी गेट व्हाट 2 into 48 into 72 डिवाइड बाय 48 प्लस 72, this become your answer in kilometer per hour, you can further solve it, similarly अगर मुझे क्या निकालनी है average velocity यार, but average velocity में मैंने बताया था speed में distance आता है velocity में क्या आएगा displacement, तो देखो a से गया घूम के वापस a पे आ गया तो initial भी वही final भी वही, तो इसलिए इसकी displacement कितनी होगी 0, तो average velocity का जैसे भी हमने formula पढ़ा वो क्या था total displacement by total time, displacement 0, टाइम जो मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 0।